नमस्कार दोस्तों। तो ये जो सीरीज़ है अपना कि पब्लिक को चुतिया कैसे बनाते हैं, इसी को जारी रखते हैं। लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है और इस टॉपिक पर जितना बात करो उतना कम है। तो हमारे जो सेंट्रल टॉपिक वो ये है कि किस तरह से पब्लिक को कोई भी बेनिफिट न देते हुए चुतिया बनाने का, यानी 50% चुतिया नहीं, 100% चुतिया बनाने का। पैसे ले लो, कुछ भी मत दो, ये वाला ये हमारा टॉपिक है। तो उसी टॉपिक को लेते हुए आज मैं गन्ने का रस पी रहा था और गन्ने का जो जूस है वो किस तरह से निकाला जाता है उसे देखकर मुझे कुछ ख्याल आए जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि गन्ना क्रश जब करते हैं तो पहले गन्ने के 4-5 डंडे को लेके वो क्रशर में डालते हैं तो थोड़ा जूस निकलता है, बहुत जूस निकलता है एक्चुअली। फिर उसे फोल्ड करते हैं, वापस डालते हैं और थोड़ा जूस निकलता है। तीसरी बार चौथी बार करते हैं और भी जूस निकलता है और आखिर जब दिखता है कि यार इसके अंदर अब जूस बचा ही नहीं होगा, ये तो सिर्फ भूसा है, भूसे में से क्या जूस निकलेगा। तो मैंने देखा है कि कुछ गन्ने वाले तो फेंक देते हैं और कुछ गन्ने वाले उस भूसे को लेकर एक बार और मशीन में से चलाते हैं और उसे निचोड़ कर थोड़ा सा तो जूस निकाल ही लेते हैं। अब चुतिये से पैसे निकलने की बात, तो वो चुतिया पब्लिक से बिल्डर्स ठीक इसी तरह से पैसे निकालते हैं। मैं इस टॉपिक को इलैबोरेट करना चाहता हूं। तो ऐसा है, एक मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूं जिसे एक बिल्डर जिसने 2500 लोगों को, 2500 फैमिलीज को ठगा है और तीन लोगों का ग्रुप है, तीन फैमिलीज, एक फैमिली है जिसमें फादर एंड टू ब्रदर्स। मैं फ़िलहाल उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट दिस टू बी अबाउट वन सिंगल बिल्डर। तो इन लोगों ने 2500 या शायद 2500 से भी अधिक फैमिलीज को ठगे हैं और हर एक फैमिली में 4 या 5 सदस्य हों तो अंदाजे से 10,000 या 12,000 लोगों की ज़िंदगी को इन लोगों ने बर्बाद की है। अब इन लोगों के मेथडोलॉजी पे जाते हैं कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया। उन्होंने 4 अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए, 4 से ज़्यादा में ठगे हैं एक्चुअली, लेकिन कोर उनका 4 प्रोजेक्ट है। मैं इन्हीं 4 प्रोजेक्ट्स में से जो लेसन्स डिराइव किए हैं वो लेसन्स पर जा रहा हूँ कि किस तरह से पब्लिक को चुतिया बनाया जाता है। तो फर्स्ट क्रश, गन्ने को पहला क्रश कैसे किया, उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया, बोर्ड लगाए, ज़मीन पे अगर टाइटल नहीं था तो किसी तरह का छोटा मोटा MOU बना लिया। वो ज़मीन मालिक को या ज़मीन के जो पजेसर हैं, ओनर भी नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग ओनर्स हैं, एक दो केस में पजेसर्स हैं, पोजेसर के साथ MOU कर लिया, थोड़े से पैसे दे दिए, 2-3 करोड़ दे दिए क्योंकि उन्हें वहाँ पे पतरे के पार्टीशंस लगाने थे और बोर्ड लगाने थे। बस MOU हो गया, पतरे के पार्टीशंस लगाए, बोर्ड लगा लिया, ब्रोकर्स से बात कर ली, बेचने लगे, स्पेस बेचने लगे। और बेचने में उन्होंने एक और तरीका अपनाया। उन्होंने ये कहा
कि उन्होंने अपने अलॉटमेंट लेटर्स निकाले। अब अलॉटमेंट लेटर्स को जब पढ़ते हैं तो उनके उनका जो डिज़ाइन है, उनका जो प्लान है, वो साफ सामने आता है। अलॉटमेंट में पहला फीचर ये है कि अलॉटमेंट लेटर कहता है कि जो खरीदार है वो इन्वेस्टर है, एक्चुअल यूज़र नहीं है, इन्वेस्टर है। हर एक सभी बायर्स को सेम अलॉटमेंट लेटर दिए और उस अलॉटमेंट लेटर में ये कहते हैं, और वो अलॉटमेंट लेटर शायद लोगों के तरफ से था कि हम ये मानते हैं कि हम इन्वेस्टर्स हैं, ये पहली बात। और फिर खरीदार के मुंह से वो ये कहलवाते हैं कि हम जानते हैं कि आपके पास सारे बिल्डिंग परमिशंस नहीं हैं और ये हमें मंजूर है, हम जानते हैं कि आपके पास जो है सारे परमिशंस नहीं हैं और ये हमें इसलिए मंजूर है क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अगर आपको 18 महीने में या 2 साल में बिल्डिंग परमिशंस नहीं मिले तो ये बिल्डर्स हमें वापस देंगे हमारे हमसे लिए हुए पैसे और हमें देंगे विथ 15% इंटरेस्ट। किसी के अलॉटमेंट लेटर में लिखा है विथ 18% इंटरेस्ट, किसी के अलॉटमेंट लेटर में अप टू 24% इंटरेस्ट भी लिखा है। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को अलग अलग बाटली में उतारा और कहा कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो लोग लालच में चले गए ये सोचकर कि बिल्डिंग ना बने तो क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा और इंटरेस्ट भी कैसा, 15%, 15% ब्याज कौन देता है आज। यानी म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करोगे ना तो, या किसी अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्ट करोगे तो 15% पर एनुअल ग्रोथ नहीं, नामुमकिन है। तो 15% एनुअल ग्रोथ ऑफ फंड्स अश्योर्ड रिटर्न्स, ये समझ के लोगों ने पर्सनल लोन्स लिए, यानी भारी ब्याज पर उन्होंने लोन्स उठाए। कुछ लोगों ने अपने फ्लैट बेचे, भाड़े पे रहने चले गए और पैसे डाल दिए ये बिल्डर्स के पास। कुछ लोगों ने, आई थिंक होम लोन सैंक्शन नहीं हो रहे थे क्योंकि इन लोगों के पास इनकी जो परमिशंस नहीं थे, क्लियरेंसेस नहीं थे, तो होम लोन्स नहीं मिले, तो पर्सनल लोन्स, घर बेचे। और इन लोगों ने एक और बात कही लोगों को तो ये और भी पैसे डालने लगे। उन्होंने इस तरह से कहा कि आप मिनिमम 30% दोगे, लेकिन 30% से ज़्यादा जो लोग देंगे, यानी कि 50% ऑफ द फ्लैट वैल्यू अगर दोगे तो हम आपको रेट और भी कम करके देंगे, 70% दोगे तो हम रेट और भी कम करके देंगे, 100% दोगे तो रेट और भी सुधर जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा फ्लैट लोगे, 2 फ्लैट बुक करोगे तो रेट और भी सुधर जाएगा, और भी कम दाम में आपको फ्लैट्स मिलेंगे। तो कम दाम में फ्लैट्स लेने के चक्कर में लोगों ने अपने सास ससुर को भी फ्लैट्स दिलवा दिए, बुकिंग करवा दिया उनसे। किसी ने अपने साले को या किसी ने अपने जीजे को खींच लिया, किसी ने अपने जमाई को खींच लिया, किसी ने अपने सारे फ्रेंड सर्कल को खींच लिया इस स्कीम में, सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। और इन लोगों ने बिल्कुल ये नहीं देखा कि ये लोग फ्लैट्स डिलीवर कर पाते हैं या नहीं।
कुछ उनके प्रोजेक्ट्स थे अंडर कंस्ट्रक्शन और कुछ आधे अधूरे इधर उधर थे। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए और ये फंड्स नेचुरली वो दे नहीं सके, एक पैसा दे नहीं सके किसी को। कुछ लोगों को मिले भी, बहुत कम लोगों को मिले। करीब मैं कहता हूँ 5% लोगों को कुछ मिला होगा, बाकी के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो है, इस टाइप के मेथड से उन्होंने पैसे उठाए मार्केट से। अब आप समझोगे कि जो लोग ठगे हुए हैं उनको दोबारा ठगना कैसे। लेकिन इनके पास एक और प्लान था। उन्होंने उसी अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ था कि अगर आप चाहते हो ये 15% इंटरेस्ट, तो आपको एक कैंसिलेशन डीड साइन करना होगा। तो लोगों ने कैंसिलेशन डीड साइन किया और इन लोगों ने कहा ठीक है सर, हम आपको 15% इंटरेस्ट के साथ पैसे दे रहे हैं, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक्स के द्वारा। और पोस्ट डेटेड चेक्स किसी के 6 महीने के बाद, किसी के 12 महीने के बाद, किसी के 18 महीने के बाद, किसी के 3 साल के बाद पोस्ट डेटेड चेक्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आज तक, यानी आज के तारीख आप कैंसिल करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे 2-3 साल के बाद, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो सिर्फ आज तक है, यानी अगले 1-2 साल का जो डिले है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। लोगों ने वो भी मान लिया, लोगों ने बार्गेन करके, किसी ने थोड़े थोड़ा टाइम कम करा के, किसी 2 साल है तो 2.5 साल कह के, और फिर ये बिल्डर्स कहने लगे हम आपको 2.5 साल में देंगे, ठीक है आपके लिए स्पेशल है लेकिन किसी से मत कहना। फिर कुछ लोगों से कहा देखो हम आपको 6 महीने में भी दे देंगे, यानी पोस्ट डेटेड चेक सिर्फ 6 महीने के आगे हैं, आप किसी से मत कहना। ऐसे करके उन्होंने कैंसिलेशन डीड साइन करवा लिए और सबको पोस्ट डेटेड चेक्स दे दिए। और कुछ लोगों ने कैंसिलेशन डीड साइन करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है सर, तो फिर आप लगे रहिए, हम कोशिश करेंगे फ्लैट देने को। तो ये 2 ग्रुप्स हो गए, कोई कैंसिलेशन डीड वाला एक ग्रुप है और बिना कैंसिलेशन डीड के अलॉटमेंट लेटर वाले एक ग्रुप है। तो इस तरह से 2 ग्रुप बन गए। फिर उन्होंने क्या किया, वो कैंसिलेशन डीड वालों को, जिनके पास पोस्ट डेटेड चेक्स थे, उनका पहला चेक जो था वो ऑड अमाउंट का हुआ करता था, दैट इज द सर्विस टैक्स जो इन्होंने कलेक्ट किया था। तो सर्विस टैक्स का रिफंड, तो सर्विस टैक्स का रिफंड का चेक ऑनर हो जाता है, लेकिन उसके बाद के जो चेक्स हैं बाउंस। अब उस तरह से वो लोग करते थे कि पहला चेक ऑनर हो जाता था, उसके बाद ये लोग फ़ोन करते थे और कहते थे सर प्लीज़ आप चेक डिपॉजिट मत करिए क्योंकि हमारा फंड फ्लो का सिचुएशन है, तो हम आपको और एक चेक देंगे थोड़ा 6 महीने के बाद के चेक्स या 1 साल के बाद के चेक्स। लोग अगर ज़बरदस्ती से डिपॉजिट कर देते थे तो बाउंस हो जाता था। तो अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हो तो आप ऑफिस में जाते हो और कहते हो अरे भाई ठीक है ले लो, और ये नए चेक्स इश्यू करके दिए वापस 6 महीने के बाद के, 12 महीने के बाद। अच्छा, एक और पैंतरा उन्होंने ये बनाया कि उन्होंने पहले तो चेक, पहला वाला चेक क्लियर हो गया, उसके बाद उन्होंने चेक नहीं दिया, उन्होंने बाद के जो है वो चेक्स वापस ले लिए और एक शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स दिए कि हम आपको RTGS देंगे। ये चेक्स में बहुत लफड़ा होता है,
हम आपको आरटीजीएस दे रहे हैं, तो एक अंडरटेकिंग जैसे उन्होंने लिख के दे दिया, इसमें कहीं स्टैम्प पेपर कुछ नहीं है, विदाउट एनी स्टैम्पिंग, विदाउट एनी स्टैम्प पेपर, ऑर्डिनरी प्लेन ऑफिस के स्टेशनरी पे, कि हम आपको आरटीजीएस देंगे एक साल के बाद या दो साल के बाद। तो अब इनके पास चेक बाउंसिंग का भी ऑप्शन नहीं रहा, और ये जो आरटीजीएस है तो आरटीजीएस आते नहीं है, होते नहीं है। तो लोगों को पता चला कि यार जो चेक था वो चेक बाउंसिंग, मैं चेक बाउंसिंग का केस भी नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे पास ये सिर्फ लेटर है जो कह रहा है कि आरटीजीएस देंगे, और वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग ऑलरेडी एक बार ठगे हुए थे उनको उन्होंने दोबारा फोल्ड करके वापस शुगर क्रेन क्रशर में डाल के ये कैंसिलेशन डीड वगैरह के चक्कर में दोबारा ठग लिया, और थोड़े यानी हाँ अभी तक अब उन्होंने और थोड़े पैसे नहीं निकाले, अब और थोड़े पैसे उन्होंने इन्हीं लोगों से निकालना शुरू किया। ये कैसे किया? कुछ लोग कहते थे हमें कैंसिलेशन नहीं चाहिए, तो ये कहते थे ठीक है सर एक और ऑप्शन है, अगर आपको कैंसिलेशन भी नहीं चाहिए, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बनने से रहा, तो हम आपको ट्रांसफर दे देंगे, वी विल ट्रांसफर यू टू अनदर प्रोजेक्ट। कौन सा, किसका? सर हमारा एक अलाइड बिल्डर है, हमारा एक दोस्त बिल्डर है, हम आपको उस दोस्त बिल्डर के प्रोजेक्ट में ट्रांसफर दे रहे हैं। अब ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लीजिए तो हम, आपने हमें 12 लाख जो दिए हैं या 10 लाख जो भी अमाउंट दिया है, वो अमाउंट को उनके फ्लैट की तरफ एडजस्ट कर लिया जाएगा। शर्त ये कि रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो जो आपने बुकिंग किया था वो 2012 या 13 का रेट था, और अब 2016 चल रहा है, तो आपको अब 2016 के रेट से लेना होगा। तो 3 साल का जो रेट है, रेट डिफरेंस है, वो रेट डिफरेंस के साथ एडजस्ट करना होगा। तो रेट डिफरेंस आप हमें दे दीजिए, ऐसे करके वो और थोड़ा अमाउंट ले लेते हैं, और थोड़ा अमाउंट मिलता है, कभी किसी से 2 लाख यानी 2-5 लाख, किसी से 10-15 लाख। और ये हुआ सेकंड क्रश, यानी कि जिनको उन्होंने एक बार ठगा है, अब उनसे दोबारा ठग रहे हैं, उन्हें दोबारा ठग रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, और लोगों ने दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने ये ट्रांसफर का स्कीम में भी पैसे डाले। अच्छा, अब ये जो ट्रांसफर वाले जो लोग हैं उनको, वो तो मजबूरी में जिस बिल्डर की बात कर रहे हैं उस बिल्डर को विदाउट अ चॉइस ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो फ्लैट उनको ऑफर कर दिया जा रहा है विदाउट अ चॉइस एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो बिल्डर का जब अलॉटमेंट लेटर आता है तो उसमें कुछ और टर्म्स हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि आप हमें विद इन सच एंड सच ए शेड्यूल, विद इन सच एंड सच ए टाइमलाइन आप हमें पेमेंट दोगे, वरना आपका 10% या 20% जो भी है फॉरफिट कर दिया जाएगा। तो जो लोग उस डेडलाइन के हिसाब से पैसे नहीं दे सकते हैं तो दिए हुए पैसे भी ले लिए जाएंगे। तो ये एक तीसरा क्रश करने का तरीका हुआ, गन्ने को तीसरी बार क्रश किया। अच्छा, अब ये जो बिल्डर्स हैं, ये लोग, इनकी और जो पहले वाले बिल्डर्स हैं, लेट अस कॉल देम बिल्डर ए एंड बिल्डर बी, तो आपने बिल्डर ए से बिल्डर बी में ट्रांसफर लिया, तो ये लोग एक और चक्कर चलाते थे। ये उनका जो ट्रांसफर था, काफ़ी इलैबोरेट में मैंने इनका
यह तरीका डिस्क्राइब किया है, उनका तरीका कुछ ऐसा था। वो आपसे कहते थे कि सर आप हमें 5 लाख, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप हमें 5 लाख दीजिए और हम आपके ऑलरेडी दिए हुए 15 लाख ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो जो ट्रांसफ़र वाला जो बिल्डर है, बिल्डर बी को 20 लाख आ जाएंगे, लेकिन 5 लाख आप पहले डालोगे। तो वो लोग आरटीजीएस फॉर्म फिलअप करवा के ट्रांसफ़र करके पहले ये दिखाते थे कि सर हम 15 लाख हमारे तरफ से ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, आपसे 5 लाख ले लेते हैं, फिर उनके तरफ से 2 या 3 लाख जाने की ये सडनली 2-3 लाख डालते हैं, नॉट 15 लाख एज प्रोमिस्ड, सिर्फ 2-3 लाख डालते हैं और कहते हैं सर देखिए आपने 5 लाख दिए, हमने 3 लाख दिए, तो 8 लाख के तो हिसाब हो गए, अब बाकी के जो हमारे आप 13 लाख 12 लाख का जो हिसाब है, यानी आपने हमको 15 लाख दिया है, हमने सिर्फ 3 लाख उसमें से दिया है, बाकी का जो हिसाब है वो हम बाद में चुकता करेंगे क्योंकि हम लिक्विडिटी क्रंच में फंसे हुए हैं। तो अब आप दूसरे बिल्डर के पास चले गए हो, दूसरे बिल्डर को आपने 5 लाख दे दिए दूसरे बिल्डर के खाते में, आप फंस गए हो 2 बिल्डर्स के साथ। अब वो दूसरा बिल्डर आपको स्क्वीज कर रहा है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। पहला वाला बिल्डर आपका 12 लाख लेके बैठा है और बाकी के उसने कहा कि 3 लाख दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्डर ने एक पैसा भी दिया होगा। ये बिल्डर ने सिर्फ यानी पूरा पैसा अपना दबा लिया होगा, प्लस आपने 5 लाख दिए, वो 5 लाख में से भी मैं समझता हूँ कि 2-3 लाख तो उसी ने दबाया होगा, और दूसरे वाले बिल्डर को शायद कुछ 1-2 लाख मिले होंगे। तो अब होता ये है कि अब आदमी कहाँ जाएगा, क्योंकि उसने वॉलंटरीली साइन किया है, वॉलंटरीली पेपर साइन किया है और कहा है कि मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ और पहले बिल्डर से दूसरे बिल्डर के पास ट्रांसफ़र ले रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो दिखता यह है कि उसने सब जो भी किया है वो वॉलंटरीली किया है, एक्चुअली उसने वॉलंटरीली कुछ भी नहीं किया है, उसने प्रेशर में आके किया है, यानी फ्लैट बायर ने प्रेशर में आके किया है, विदाउट नोइंग हु दैट सेकेंड बिल्डर इज, विदाउट नोइंग व्हाट द प्रोजेक्ट इज, और ये दूसरा बिल्डर उसको रखड़ाने लगता है। तो इस तरह से जो लोग एक बिल्डर के साथ फंसे हुए थे, अब वो 2 बिल्डर के पास फंस गए। दूसरा बिल्डर भी निकम्मा निकला, नॉन परफॉर्मिंग बिल्डर निकला, नाटकबाजी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ काम चला रहा है, ऐसे कभी दिखाता है कि ग्राउंड पे कुछ काम हो रहा है, लेकिन ड्रामेबाजी है, एक्चुअल कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से लोग 2 बिल्डर्स के पास फंस गए, इतने सारे लोग। तो ये शुगर केन को और एक बार क्रश हो गया, ठीक है। अब आप सोचते हो चलो इतने ठगे हुए लोग अब तो रुक जाएंगे ठगना, लेकिन नहीं, और भी ठगने को तैयार हैं लोग। लोगों की सोच कुछ ऐसी है कि बिल्डर हमेशा सही होता है, वो लोग इस तरह से सोचते हैं अरे बिल्डर मुसीबत में फंसा हुआ है, ये नहीं सोचते हैं कि बिल्डर मुझे ठग रहा है। तो पैसे छुड़ाने के चक्कर में और पैसे डाले जाते हैं। तो अब उन्होंने एक नया पैंतरा निकाला, ये सारे जो दूसरे यानी ये जो कस्टमर्स थे, कस्टमर्स से एक एसोसिएशन फॉर्म करवाया। ये जो ठगे हुए फ्लैट बायर्स थे उनको, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बिल्डर ने ही बनवाया, बिल्डर्स
के आदमी लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनवाए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में उन्हीं के कुछ लोगों को यानि लीडर्स बना दिया, या फिर जो ठगे हुए लोग हैं उनके कुछ लोगों से कहा कि देखो मैं तुम्हारा ये संभालूंगा वो संभालूंगा वगैरह वगैरह, उनको भी फॉल्स प्रॉमिसेस ही दिए, और वो लोग दूसरों यानी बिल्डर को, दूसरे फ्लैट बायर्स को शोषण करने में मदद करने लगे। अब उन्होंने क्या किया, फ्लैट बायर्स के एसोसिएशन बनाए। बिल्डर ने एक आइडिया डाल दिया लोगों के दिमाग में कि जो जमीन है, मैं प्रोजेक्ट नहीं बना सका हूं, लेकिन जो जमीन है मैं जमीन आपके नाम पे कर दूंगा। किसके नाम पे? एसोसिएशन के नाम पे। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले एक केस करो, मेरे अगेंस्ट केस करो, सिविल केस। अच्छा हाँ, ये मैं कहने को भूल गया कि बहुत सारे लोग इनमें से कंप्लेंट कर चुके थे, पुलिस कंप्लेंट्स कर चुके थे, एफआईआर दर्ज कर चुके थे, करवा चुके थे इस बिल्डर के खिलाफ। आज के तारीख में 8 या 9 एफआईआर हैं, यानी 8 या 9 प्रोजेक्ट्स के एफआईआर हैं। तो और ये बिल्डर का छोटा बेटा करीब करीब 15-16 महीनों से जेल में है, 15 महीनों से जेल में है, सिंस जनवरी 2017। बाकी के फादर एंड एल्डर ब्रदर दुबई भाग गए, शायद अभी भी दुबई में ही है, एब्सकॉन्डिंग है, उनके अगेंस्ट भी एफआईआर है। तो इन लोगों ने ऐसे किया, एसोसिएशन वालों को ये पट्टी पढ़ाने लगे कि आप लोग हमारे ऊपर केस कर दो, सिविल केस, और फिर हम लोग आपको ऑफर देंगे कि देखो हम, हमारी जो ज़मीन है ये ज़मीन के पेपर्स हैं, और हम आपको ज़मीन के पेपर्स देंगे, और एसोसिएशन और उसके सदस्य हमारे अगेंस्ट जो भी पुलिस कंप्लेंट्स हैं वो विड्रॉ करते हैं विथ इमीडिएट इफेक्ट, विथ इमीडिएट इफेक्ट। और फिर ये जो कंसेंट टर्म्स हैं एसोसिएशन और बिल्डर्स साइन कर देंगे, कंसेंट टर्म साइन करेंगे, पुलिस कंप्लेंट्स विड्रॉ किए जाएंगे, जमीन उनके नाम पे किया जाएगा। लेकिन उनके नाम पे जमीन कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि जमीन उनका है ही नहीं, बिल्डर का जो जमीन है ही नहीं वो पब्लिक के नाम पे बिल्डर कैसे करेगा, ये तो लोग सोचते नहीं है। तो बड़ी चालाकी से वो बिल्डर इस तरह इस चाल से अपने अगेंस्ट जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स है वो सारे कैंसिल करवाने जा रहे थे। मैंने भी उन्हें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चेतावनी दिए, तब जाके समझे, और एक अल्टरनेटिव एसोसिएशन भी बना जो जिसने कोर्ट में अपोज किया। लेकिन ये बिल्डर ये सब करने से बाज नहीं आए हैं, अभी भी लोगों के दिमाग में यही चीज़ उतार रहे हैं कि हम आपको लैंड दे देंगे, आप लैंड एक्सेप्ट कर लो, आप एसोसिएशन। तो जब भी बिल्डर्स एसोसिएशन करने की करवाने की बात करते हैं, या फिर फ्लैट ओनर्स भी अगर एसोसिएशन बनवा करने की बात करते हैं, एसोसिएशन बनाने की बात करते हैं, तो मैं हमेशा लोगों को ये याद दिलाता हूँ कि ये भी एक चुतिया बनाने का तरीका है। और ये चुतिया इस तरह से बनाते हैं कि जब एक एसोसिएशन हो जाता है चुतियों का, तो उस एसोसिएशन में से सिर्फ 3 लोगों को मैनेज करने पड़ते हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। अगर बिल्डर ने ये 3 लोगों को मैनेज कर दिया तो एसोसिएशन, चुतिया लोगों का एसोसिएशन जो है वो उनके हाथ की कठपुतली बन जाती है।
और उनके हाथों से जो करवाना चाहते हैं वो करवा के ले लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है एसोसिएशंस का इस्तेमाल करने का। लोग सोचते हैं अरे हम एसोसिएशन बनेंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये भी सोचते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, यूनिटी बढ़ जाएगा। ज़रूरी तो है व्हाट्सएप ग्रुप में जाना, मैं कहूँगा ये भी ज़रूरी है एसोसिएशन फॉर्म करना, लेकिन ये कभी मत भूलो कि एसोसिएशन फॉर्म करने के बाद बिल्डर के लिए चुतिया मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। तो चुतिया मैनेजमेंट के आज हमने कितने तरीके सीखे। पहला वाला आपको इन्वेस्टर कहना, वो पहला चुतिया मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि आप बायर हो, फ्लैट बायर हो। अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हो, ओन यूज़ के लिए खरीदते हो, अपने बच्चों के यूज़ के लिए खरीदते हो, अपनी कंपनी के यूज़ के लिए खरीदते हो, इससे बिल्डर का कोई लेना देना नहीं है। यानी हमारा, अब मैं ऑलरेडी पब्लिक के तरफ चला गया हूँ, लेकिन मैं गलत कर रहा हूँ, वापस बिल्डर के साइड पे आ जाता हूँ। बिल्डर लोगों, बिल्डर भाइयों, हम लोग पब्लिक की जो चुतिया बनाते हैं वो इस तरह से करते हैं कि एक्चुअली इन्वेस्टर्स कह के उनको चुतिया बनाते हैं। और इन्वेस्टर कहने का फ़ायदा ये होता है कि कंज्यूमर कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं तो पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट का कंज्यूमर लॉ अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये लोग इन्वेस्टर्स हैं। ये पहला आर्ग्यूमेंट होता है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट कई बार कोर्ट में से गुजर चुका है और ये कोर्ट में रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी दो तीन डेट्स तो इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो चुतिया मैनेजमेंट का दूसरा तरीका ये है, कैंसलेशन डीड साइन करना पड़ेगा। नहीं, इंटरेस्ट रेट्स, ज़बरदस्त इंटरेस्ट रेट्स ऑफर देते हैं कुछ बिल्डर्स। और ये मैं एक बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कम से कम तीन बिल्डर्स के यही टाइप के अलॉटमेंट लेटर्स देखे हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बाप रे बाप, 15% इंटरेस्ट रेट्स, 18% इंटरेस्ट रेट्स। कौन देता है यार? ये बिल्डर क्या काम कमा रहा है, यानी कहाँ से वो कमा रहा है 18% इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है, 18% इंटरेस्ट रेट्स देने की बात करते हैं। तो लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो इस तरह से सोचते हैं कि चलो बिल्डर बिल्डिंग ना खड़ा कर सके तो सीधा वो मुझे 18% इंटरेस्ट रेट देगा, लेकिन बिल्डर आपको कुछ देना ही नहीं चाह रहा है। तीसरा चुतिया बनाने का तरीका, कैंसिलेशन डीड साइन करो। कैंसिलेशन डीड कर साइन करने के बाद पोस्ट डेटेड चेक्स बाउंस करने से पहले आपको ऑफिस से फ़ोन आता है, सर RTGS का ये देंगे, दे देंगे, प्लीज़ आप चेक्स रिटर्न कर दो। जो लोग चेक्स रिटर्न करते हैं वो चेक बाउंसिंग केसेस नहीं कर सकते हैं, RTGS कभी नहीं आता है। अब उसके बाद वापस लोग जाते हैं मीटिंग करने बिल्डर से, सर प्लीज़ हमारे लिए कुछ करो। तो बिल्डर कहता है ठीक है सर, आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरा एक दोस्त बिल्डर है, वो उसमें उसके प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र ले लो, मैं आपको ट्रांसफ़र दे रहा हूँ। ट्रांसफ़र देने के बहाने से रेट बढ़ा देता है, रेट बढ़ाने के बाद कहता है जो डिफरेंस है वो पहले पे करो। डिफरेंस पहले ले लेगा 5 लाख, कहेगा मैं बाकी के आपने जो 15 लाख दिए हैं वो मैं दूसरे बिल्डर को दे देता हूँ। नहीं देता है, 2 या 3 लाख देता है आपको दिखाने के लिए कि देखो मैंने दे दिए वो बिल्डर को। वो भी वो दूसरे कंपनी से वापस भी ले लेता होगा, एक हाथ से देता होगा दूसरे हाथ से वापस लेता होगा। आपने जो 5 लाख दिए हैं उसमें से भी वो हिस्सा लेता होगा। मैं समझता हूँ कि जो दूसरा बिल्डर है उसको शायद ही 2 या 3 लाख मिलते होंगे, लेकिन आप अब समझते हो कि आप दूसरे बिल्डर के पास अटके हुए हो, उसका अलॉटमेंट लेटर आ गया आपके पास और दूसरा बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है,
तो अब आप दो बिल्डर के पास फंस गए हो, एक नहीं। अब ये सब के चक्कर में से आप निकलना चाहते हो तो कहते हैं कि जमीन ले लो। जमीन के बदले में आपने जो भी कंप्लेंट्स किए हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट किए हैं, सिविल क्लेम्स किए हैं, जो भी कोर्ट केस किया है, कंज्यूमर केस किया है, जो भी किया है, वो सब कैंसिल कर दो। कितनी बार चुतिया बनोगे भाई, कितनी बार चुतिया बनोगे? जेन्युइन बिल्डर्स हैं, लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स इस टाइप के बिल्डर्स हैं जो आपको एक स्क्वायर फुट नहीं बना के देते हैं, ज़मीन के ऊपर एक ईंट नहीं रखते हैं, या फिर थोड़ा सा कर देते हैं ड्रामेबाजी, दो तीन माले का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दो तीन स्लैब खड़ा कर देते हैं और आपका बार बार शोषण करते हैं, आपको बार बार चुतिया बनाते हैं और आप बनते रहते हो, बनते रहते हो, बनते रहते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में जब जब मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं मैं चलो बिल्डर से मीटिंग करते हैं, जब जब मैं ये शब्द सुनता हूँ ना, चलो बिल्डर से मीटिंग करते हैं, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोगों का एक और बार चुतिया बनने का समय आ गया है। और चाहे जितने लोगों को समझा दो, चाहे जितना उन्हें समझाओ कि भाई ये तुम्हें ठग रहे हैं, मत जाओ बिल्डर के पास, अब वो बिल्डर तुमको कुछ देने वाला नहीं है, तुमसे लेने का ही हिसाब है, तो भी लोग चले जाते हैं। और एक जो चीज़ है, एक जो रिफाइनमेंट है उनको बिल्डर्स का, वो यानी बिल्डर्स साइकोलॉजी इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, अमेजिंग। अरे यार, वो इस तरह से करते हैं यार, यानी आप लोगों को बिल्डर बन ही जाना चाहिए। उनका एक तरीका ये है कि चलो मीटिंग में 50 लोगों को बुलाओ, एक प्रस्ताव रखो उनके सामने, कौन कौन पैसे वापस चाहते हैं वो ये साइड में आ जाओ, ग्रुप इस तरफ आ जाओ, कौन ट्रांसफर लेना चाहते हैं वो उस तरफ चले जाओ, ऐसे करके दो ग्रुप बना दो लोगों को। तो 50 लोग में से अगर 5 लोग भी ट्रांसफर के साइड पे चले गए, उन लोगों को ठग लो अच्छे तरह से, आसानी से। बाकी के जो लोग हैं उनको कहीं और डिस्ट्रैक्ट करके रखो और फिर कहो चलो सर हम आपको बाद में देंगे, चलिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, ऑफिस से भेज दो। अब उनको लगता है कि उनके पैसे मिलने वाले हैं, और जो ट्रांसफ़र वाले जो लोग हैं, जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए जो 2-5 लोगों ने ऑप्ट किया, उनका शोषण करो। इस तरह से जो बिल्डर का बिल्कुल काम ठप हो चुका है, जो कुछ भी नहीं बना रहा है, सिर्फ झूठे वादे दे रहा है, उसके ऑफिस में मैं समझता हूँ कि हर रोज़ 2-4 लोग पहुंच जाते हैं, बिल्डर से मीटिंग करने के चक्कर में जाते हैं, बिल्डर उन्हें कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ा देता है, ट्रांसफ़र का पट्टी या कुछ भी, और उनसे 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ले लेता है। ऐसे बिल्डर्स भी यानी कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी रोज़ाना 2-4 लाख कमा रहे हैं लोगों को ठग के। ऐसे बिल्डर्स हैं और ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों का शोषण आज भी हो रहा है। जिन लोगों का शोषण हो चुका है, जो चुतिये बन चुके हैं, उन्हें बार बार गन्ने के जूस बनाने जैसे उनको वापस चुतिये बनाते हैं, वापस फोल्ड करते हैं और एक बार चुतिया बनाते हैं, वापस फोल्ड करते हैं और एक बार चुतिया बनाते हैं, और उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी उन्हें वापस एक बार मशीन में प्रोसेस करके और एक बार चुतिया बना लेते हैं। ये हकीकत है।
ये होते हुए मैंने देखा है और ऐसे लोग मेरे पास बार बार आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार और एक टेक्निक डिस्कस करेंगे पब्लिक को चुतिया बनाने का। गुड नाइट।